हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। चुनाव रिजल्ट से पहले ईवीएम पर फिर लगे आरोप और यूक्रेन से आए किस वीडियो ने लोगों में जगाया जोश, सब पर करेंगे बात। पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। चुनाव नतीजों से पहले ईवीएम पर मची धमाचौकड़ी, रूस की सेना पर भारी पड़ रहे यूक्रेन के किसान, भालू के बर्फ में कसरत करने का वीडियो हुआ वायरल और पिक ऑफ द डे करेंगे बात लेटेस्ट ट्रेंड्स पर अनोखी आर्ट दिखाने वाले कलाकार की। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी एक वीडियो से जुड़ी है। मेरे जैसे आलसी और जिम का नाम सुनते ही जोश और होश खोने वाले लोग तो इस वीडियो से 56 इंच दूर ही रहे। इंटरनेट पर एक वीडियो दौड़ रहा है जिसमें दो दोस्त बर्फ के बीच धांसू वर्कआउट कर रहे हैं। दोनों के अलावा एक भालू भी पीछे कुछ हरकत सा करता नजर आ रहा है। इतनी ठंड में दोनों को बिना कपड़ों के वर्कआउट करते देख के लोग मतलब क्या ही कहें, और फिर भालू पे भी हैरानी जता ही रहे हैं। लोगों ने कहा कि इंसानों का तो ठीक है, चलो भालू को कौन से सिक्स पैक एब्स बनाने हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भालू शिकार करने के पहले की नेट प्रैक्टिस कर रहा है। इस घटना का वीडियो काफ़ी चल रहा है और लोगों ने इसको जमके शेयर किया है। इसको करीब 1.5 लाख से अधिक बार रीशेयर किया जा चुका है। कुछ लोगों ने इसको पालतू भालू बताया तो कोई इसे फिटनेस फ्रीक बता रहा है। दूसरी सुर्खी कल के दिन यानी वीमेंस डे से जुड़ी हुई है। आजकल बिना क्रेडिट दिए लोग कंटेंट ऐसे उठाते हैं जैसे मूंगफली खरीदने वाले से टेस्ट करने के नाम पे 2-4 मूंगफली आप उठा के खा जाते हैं। खैर ये बेहद गलत है लेकिन आम बात है। हालांकि कई बार इस क्रेडिट के चक्कर में खुद का क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो जाता है। IPL की नई नवेली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और वैसे भी उनका सोशल मीडिया जिस तरीके से चल रहा है, क्या ही कहें कैसे चल रहा है, नहीं कहेंगे कुछ, हम क्यों कहें, मतलब हम क्यों कहें, हम कौन होते हैं कहने वाले। तो टीम ने वीमेंस डे के दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एक पोस्टर शेयर किया और महिला दिवस पर एकदम झाम फाड़ पोस्ट लिख दिया। कमाल की बात ये थी कि पोस्टर उन्होंने खुद नहीं क्रिएट किया था बल्कि किसी और का चोरी कर लिया था आइडिया, मतलब ये सोचकर कि इनको क्या ही पता चलेगा वाला meme.jpg। बाद में ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर वीमेन इन ब्लू मेमोरीज ने टीम को लपेटे में लेते हुए लिखा कि डिजिटल चोर को देख लीजिए, वेरीफाइड है तो कुछ भी करेंगे। इसके बाद कई और लोगों ने भी लखनऊ टीम को ट्रोल किया। मामला बढ़ता देख के टीम ने माफी मांगते हुए लिखा कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, पोस्ट तो हमने कर दिया, बस आपकी वाहवाही रह गई। वैसे हमारे देश की तो पूरी राजनीति ही क्रेडिट पर चल रही है, समझ तो गए होंगे, पहले प्रधानमंत्री और फिर पहले ऐसे प्रधानमंत्री। DC की लेटेस्ट फिल्म द बैटमैन रिलीज हो कि पूरी दुनिया में धूम मचा रही है, मतलब जितना दिख रहा है टॉर्च ले जाने पे वो फिल्म बहुत डार्क है ना। अब खबर इसी फिल्म से जुड़ी हुई आ रही है। अमेरिका में एक बंदा ये फिल्म देखने सिनेमा हॉल गया। वहाँ फिल्म देखते हुए उसने एक वीडियो शेयर किया जो इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से उड़ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि फिल्म के दौरान ही हॉल में असल चमगादड़ आ गई और वो इधर उधर उड़ती रही। इस वजह से फिल्म की स्क्रीनिंग को समय के लिए रोक दी गई। वीडियो इंटरनेट पर आया, चल पड़ा, उड़ पड़ा, कुछ भी कहिए, लोगों को वीडियो देख के मौज आ गई। लोगों ने लिखा कि अच्छा रहा जो ये जुरासिक पार्क देखने नहीं गए थे वरना असल डायनासोर आ जाते। कुछ ने इसको मेकर्स की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताया। एक यूजर ने लिखा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही 3D एक्सपीरियंस हो गया। वहीं बाद में पता चला कि ये एक व्यक्ति ने प्रैंक किया था, वो आर्टिफिशियल बैट को रिमोट से उड़ा रहे थे। चमगादड़ की बात हो और चीन की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे अपुष्ट सूत्रों की माने तो ये आर्टिफिशियल चमगादड़ जिस रिमोट से उड़ाया जा रहा था वो रिमोट चीन में ही बना था। एक तस्वीर और चली। बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट पेश किया। इसके लिए CM भूपेश बघेल एक खास किस्म का ब्रीफकेस लेके आए थे। ये खास इसलिए था क्योंकि ये चमड़े या जूट का नहीं बना था, कपड़े का भी नहीं बना था, बल्कि पूरी तरह से गोबर से बना हुआ था। इस पर लिखा था गौमयवस्ते लक्ष्मी, माने कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लोगों ने इसको अच्छी पहल बताया। गोबर गैस, गोबर खाद के बाद अब गोबर ब्रीफकेस की बातें चल रही। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। हर बार की तरह एक बार फिर नतीजों से एक दिन पहले इंटरनेट पर ईवीएम की चर्चा रही। हमारे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और विपक्षी पार्टियां जो हारने वाली होती हैं, हार रही होती हैं, उनके लिए एवरी वोट टू, समझ गए आप, साल बदला पर हाल नहीं। एग्जिट पोल आने के बाद और नतीजों से एक दिन पहले विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से अपना पसंदीदा ईवीएम
का राग गाया और बीजेपी पे ईवीएम हैक कर लिए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिए, जिस तरह के आरोप हमेशा लगते हैं सरकार पे उस तरह के आरोप यूपी पे लगाए। दरअसल एक दिन पहले ही सपा के कार्यकर्ताओं को वाराणसी में ईवीएम से भरी कुछ गाड़ियों को पकड़ने की ऐसी खबरें आई, इसके बाद खासा बवाल मचा। इलेक्शन कमीशन की भी जान सूखी रही। चुआ माने चुनाव आयोग ने एडीएम नलिनी कांत को चुनाव कार्यों से हटा दिया, उन पे ईवीएम परिवहन में लापरवाही बरतने का आरोप है। माने ये बात तो तय रही कि लापरवाही हुई है, चीजें हवा में ही नहीं है। यही वजह है कि ट्विटर पर हैशटैग ईवीएम चोर बीजेपी चुनाव आयोग और ईवीएम ट्रेंड में रहे। हैशटैग्स पर लोगों ने, लोग तो जान ही गए होंगे आप कि किन लोगों ने कथित ईवीएम चोरी को लेकर चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए, साथ ही बीजेपी को भी जम के सुनाया। एक यूजर ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ईवीएम आत्मनिर्भर हो गई है, अकेली ही वाराणसी में घूम रही है। एक और यूजर ने लिखा कि ईवीएम चुनाव आयोग के हाथ में उसी तरह सुरक्षित है जैसे निर्मला सीतारमण के हाथ में सरकारी संपत्तियां सुरक्षित हैं। मामला फेसबुक पर भी चला। एक यूजर ने फेसबुक पे लिखा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, योगी सरकार अभी भी ईवीएम मशीन की हेरा फेरी कर जनादेश पर डकैती डालना चाहती है। अब समझ में आया कि सूपड़ा साफ होने के बाद भी भाजपा सरकार बनाने का दम क्यों भर रही है। वैसे बातें तो वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा की उस बात की भी बड़ी चली जिसमें वो ये कह रहे थे कि मशीनें कर्मचारियों को महज काउंटिंग ट्रेनिंग देने के लिए थी। चर्चा एक वीडियो की भी है, गोरखपुर का वीडियो, जिसमें सपा वाले कूड़ा गाड़ी में ईवीएम खोज रहे थे। पूरे मामले पर कुछ लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट भी किया। एक ने लिखा कि ईवीएम बस एक बहाना है, असल में खुद की इज्जत भी तो बचाना है। एक और यूजर ने लिखा कि जो लोग 90 के दशक में यूपी बिहार में बूथ कैप्चरिंग से सत्ता हासिल करते थे, इसीलिए ईवीएम पर शक करते हैं और अपना गुस्सा निकालते हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि ठंडा हो गया गुंडा माफियाओं का जोश, अब दे रहे हैं ईवीएम को दोष। वहीं कुछ लोग हमारे जैसे भी थे जिन्होंने ईवीएम मामले पर मौज ली। एक यूजर ने लिखा कि एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार पंजाब में लोकतंत्र की जीत होगी, जबकि यूपी, मणिपुर और उत्तराखंड में ईवीएम हैक होगी, लेकिन गोवा में स्पष्ट नहीं है कि लोकतंत्र की जीत होगी या ईवीएम हैक होगी। फेसबुक पर एक यूजर ने लिखा कि उत्तर प्रदेश का माहौल तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई घर से सिलाई मशीन भी लेकर निकले तो कुछ लोग उसे ईवीएम मशीन मान लेते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि कल चुनाव परिणाम आएंगे तो आप बस हमारे साथ बने रहिएगा। सुबह 7 बजे से ही आपको पल पल एकदम सटीक अपडेट दी ललन टॉप पे मिलेंगे लाइव, क्योंकि चुनाव मतलब दी ललन टॉप। सोशलिस्ट शो चल रहा हो और यूक्रेन रूस युद्ध की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध तो हमारे शो के लिए एकदम सांसों की ज़रूरत हो जैसे, ज़िंदगी के लिए बस एक खबर चाहिए सोशलिस्ट के लिए टाइप हो गया है। हालांकि ये काफ़ी दुखद मामला है। यूक्रेन से एक और वीडियो आया, इसमें एक व्यक्ति या कह लीजिए कि किसान टैंक को अपने ट्रैक्टर से बांध कर ले जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह टैंक रूसी सेना का T-80U टैंक है जो यूक्रेन की सेना ने कब्जा लिया था। मामला यूक्रेन का है और किसान इसे अपने ट्रैक्टर से बांध कर ले जा रहा है। वीडियो काफ़ी चल रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीती जाती है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यूक्रेन के किसान सेना का बखूबी साथ दे रहे हैं। यूजर ने लिखा कि अगर कभी युद्ध खत्म हुआ तो यूक्रेन के पास टैंक का अपना एक म्यूजियम होगा। एक दूसरे यूजर ने कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में यूक्रेन के किसान टैंकों से हल जोतते हुए भी नजर आएंगे। इससे पहले भी जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पे भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक किसान रूसी टैंक को अपने ट्रैक्टर से बांध कर ले जा रहा था। बाकी ये वीडियो देख के हमारे प्रोड्यूसर रवि को उनकी क्रश की याद आ गई। कहते हैं कि टैंक मैं हूं और ट्रैक्टर मेरी क्रश, वो जहां ले जाती है वहीं जाता हूं धंस। वैसे तो हर कोई COVID-19 को हमेशा के लिए खुद से दूर रखने के बारे में ही सोचता है। कोई नहीं चाहता कि कोविड और पॉजिटिव शब्द उसके जीवन में एक साथ 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 आएं। लेकिन केरल के रहने वाले श्याम ऐसे लोगों में से नहीं है। श्याम के लिए कोविड थोड़ा लकी रहा, अगर उसको आप लक कहना चाहें। वो कुछ ही महीनों में लखपति बन गए। दरअसल कोविड दौर में उनके पास नौकरी नहीं थी तो श्याम ने नौकरी की तलाश की। उसी दौर में श्याम के इलाके में एक CFLTC कोविड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर खुला, जहां श्याम को पहली नौकरी मिली, वो भी 750 रुपये दिन में। पहले और दूसरे लॉकडाउन में उन्होंने कुल मिलाकर 8-9 महीने काम किया। इस तरह से उनके पास 1.5 लाख रुपये जमा हो गए। इन पैसों से श्याम ने एक ऑटो खरीदा। कोविड के कारण उनकी दुनिया पॉजिटिव साइड में बदली और इसी कारण से श्याम ने अपने ऑटो का नाम ही COVID-19 रख दिया। इस ऑटो के चर्चे इंटरनेट पर काफ़ी हो रहे हैं तो हमने भी आपको बता दिया।
सोशलिस्ट में आप बात यह पिक ऑफ दे कि आज की हमारी रिकमेंडेशन फ्लिप बुक आर्ट में एक मास्टर आदमी की है। वही आर्ट जिसमें एक बुकलेट के पन्नों पर सिलसिलेवार कई सारी पेंटिंग या तस्वीरें बनाई जाती हैं और फिर तेजी से एक एक पन्ने को जोर से मतलब पलटा जाता है, स्पीड से फ्लो में देखने पे ये मोशन करती या फिर चलती हुई सी नजर आती है। इन आर्टिस्ट का नाम है आकाश पटेल और इनके चैनल का नाम है आकाश पटेल आर्ट। वो एक पेंटर हैं और कमाल के फ्लिप बुक आर्टिस्ट हैं। उनके चैनल पर लेटेस्ट ट्रेंड से जुड़े आर्टिस्टिक वीडियोज मिलते हैं। हाल ही में श्रीवल्ली और काचा बादाम गाने पे बनाए गए उनके वीडियोज काफ़ी वायरल हुए थे। अकेले श्रीवल्ली पर ही 70 लाख से अधिक व्यूज आए थे। अगर आपको भी इस तरह के आर्ट में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपके काम का है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल के लिए, हाँ कल के लिए बता देते हैं, कल चुनाव के नतीजे आएंगे इसलिए सोशल लिस्ट नहीं आएगा। बाकी दिन भर सोशल मीडिया पे जो होगा वो आपको चुनावी अपडेट्स के साथ पता चलता ही रहेगा। और दिन तो कल रिजल्ट का है, कल तो रिजल्ट में ही गया सब कुछ। बढ़िया है, बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। हम चले टाटा। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी यात्रा, 7 महीने में 5 टीमों ने नापा यूपी का चप्पा चप्पा। अब वक्त है हमारे साथ सबसे सटीक नतीजे जानने का। 10 मार्च नतीजों के दिन दिल्लन टॉप होगा लाइव सुबह 7 बजे से लगातार दिल्लन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर।